ईस्ट फेस्ट जी प्लस वन 100 स्क्वायर यार्ड में था गेटेड कम्यूटर लो इल्लु एवर वाले तेलुगुलो डिटेल्स कावाले अंटे ना किंदु ना नंबर उंदी ना नंबर की कॉल चेयंडी निन्न मोत्तम डिटेल्स मीकु तेलुगुलो चेप्तानु इदी जी प्लस वन 100 स्क्वायर यार्ड ईस्ट फेसिंग एट शमशाबाद। दोस्तों ये ईस्ट फेस 100 स्क्वायर यार्ड जी प्लस वन हाउस एट शमशाबाद। ये कॉलोनी देख सकते हैं हम, ये गेटेड कम्युनिटी कॉलोनी है। ये मेन गेट, गेट पे एंटर लेते ही ये कार पार्किंग स्पेस, ये सम और बोर। ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वॉशिंग एरिया और ये फर्स्ट फ्लोर के लिए स्टेप्स दी गई हैं। ये रहेगा मेन एंट्रेंस, ये लिविंग एरिया कम हॉल और डाइनिंग एरिया। ये आप सीलिंग देख सकते हैं, ये सीलिंग नाइट फैन के साथ में, ये टाइल्स, ये फुल्ली लप्पम विद बहुत अच्छा कलर वॉल पे किया गया है और लाइटिंग भी इसी की मैचिंग के हिसाब से लगाई गई है। ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपको आएगा किचन, किचन में टाइल्स और स्टोरेज के लिए काफी जगह है। और किचन में ये वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है और जैसे ही आप किचन से बाहर निकलते हैं ये डाइनिंग एरिया रहेगा आपका, ये वॉश बेसिन के साथ। ये लेफ्ट हैंड साइड में आपको वेंटिलेशन के लिए एक डक दिया गया है, डोर और वॉशिंग एरिया, अगेन एक वॉशिंग एरिया बाहर भी बनाया गया है ग्राउंड फ्लोर पे और ये भी एक है। और जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे फर्स्ट आपको लेफ्ट साइड में कॉमन बाथरूम रहेगा। कॉमन बाथरूम में देखेंगे आप बहुत खूबसूरत टाइल्स, एक राइट हैंड साइड पे ये जो बेडरूम आएगा ये मास्टर बेडरूम, लाइट फैन के साथ में अवेलेबल है ये हाउस 100 स्क्वायर यार्ड। मास्टर बेडरूम का बाथरूम है, और साथ में इसमें भी एक वेंटिलेशन के लिए डक दी गई है और खूबसूरत डोर लगाया गया है। ये देख सकते हैं आप इस घर में वेंटिलेशन का खास ख्याल रखा गया है। और जैसे ही आप इस बेडरूम से बाहर निकलते हैं राइट हैंड साइड पे फिर आपको सेकेंड बेडरूम आएगा, ये देखिए खूबसूरत सीलिंग। हम बाहर जैसे ग्राउंड फ्लोर से बाहर निकलते हैं राइट साइड से हमको फिर स्टेप्स रहेगा फर्स्ट फ्लोर के लिए। और इसमें देखिए ये मीटर्स जो हैं सेपरेट मीटर लगाए गए हैं ग्राउंड फ्लोर के लिए और फर्स्ट फ्लोर के लिए। अभी मैं ये हिंदी में बता रहा हूं, किसी को तेलुगु लोग आवाले अंटे मोत्तम डिटेल्स కింద నా నంబర్ ఉంది, నా నంబర్ కి కాల్ చేయండి, నేను మొత్తం డీటెయిల్స్ మీకు తెలుగులో కూడా చెప్తాను। ఈ అగహం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ పే
ये फर्स्ट फ्लोर बालकनी में है। ये फर्स्ट फ्लोर का एंट्रेंस, जैसे हम एंटर लेते हैं, ये लिविंग एरिया कम हॉल एंड डाइनिंग एरिया। सेम अगेन फर्स्ट फ्लोर पे भी मैक्सिमम पूरा सीलिंग का काम, रूफ लाइट और कलर का काम सेम वैसे ही किया गया है। अभी देख सकते हैं यहां पर भी वेंटिलेशन के लिए विंडो, और ये लेफ्ट हैंड साइड पर हमको किचन मिलेगा, जहां पर आराम से 2 से 3 लोग आराम से बहुत अच्छी तरह अपनी कुकिंग पकवान कर सकते हैं। ये देखिए वेंटिलेशन के लिए विंडो किचन में अगेन, और इस किचन में हमने एक सेपरेट डोर दिया है, जो डोर अगेन बाहर की तरफ खुलता है। अब जैसे हम किचन से बाहर निकलते हैं, आपको ये डाइनिंग एरिया, ये वॉश बेसन, अगेन फिर से लेफ्ट हैंड साइड पे आप ये राइट हैंड साइड पे मास्टर बेडरूम, जिसमें अटैच बाथरूम। अगर बाथरूम देखेंगे आप, हमारे कॉमन बाथरूम हो या अटैच बाथरूम हो, अगर देखेंगे इसमें तो हमने टाइल्स का और कलर कॉम्बिनेशन का बहुत खास ख्याल रखा है। वॉश बेसिन, फिर जैसे ही हम मास्टर बेडरूम से बाहर निकलते हैं, रेड हैंड साइड पे हमको फिर अगेन सेकेंड बेडरूम, फर्स्ट फ्लोर का सेकेंड बेडरूम रहेगा। ये देखिए इसी तरीके से ये G+1 ईस्ट फेस्ट गेटेड कम्युनिटी में रहेगा। आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, और कुछ अभी आपको ज़्यादा इंक्वायरी के लिए कुछ और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो अभी मुझे इस पे नंबर पे कॉल करिए और मुझसे आप पूछ सकते हैं, और साइट विजिट्स के लिए कॉल करिए। और ये रहेगा आपको टेरेस की स्टेप्स। ये घर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में, ये घर आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं और भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके लिए लेकर आऊं। నేను మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను, ఎవరి వారికి తెలుగులో కావాలే డీటెయిల్స్ అంటే నా కింద నా నంబర్ ఉంది, నా నంబర్కి కాల్ చేయండి, నేను మొత్తం డీటెయిల్స్ మీకు తెలుగులో చెప్తాను। और इसी तरीके से हमारे और भी ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर आने वाले नए प्रॉपर्टी अपडेट्स आपको मिलते रहें। दोस्तों थैंक यू।